है आप सभी का साबरी परफॉर्म चैनल में। आपने इससे पहले भी एक वीडियो देखी होगी जो कि यहीं इसी लोकेशन की थी, यहाँ बैठ के। वो बहुत पुरानी वीडियो, आई होप उससे आपने काफ़ी नॉलेज ली होगी। तो आप सभी का साबरी परफॉर्म चैनल में, और आज मैं आपको बताऊंगा बकरे के बुखार से रिलेटेड कि उसको कैसे चेक करें और उसका इलाज क्या है, वो भी बता देंगे। क्योंकि डिवॉर्मिंग और आयोडीन की डिफिशेंसी के ऊपर थी, तो आज मैं आपको बताऊंगा बकरे को अगर बुखार आए तो किस तरह चेक करें और उसका क्या इलाज है। वो डिपेंड करता है कितना इलाज कितने बुखार पे होना चाहिए, जो कि इस मीटर से हम तो डिपेंड करता है बकरे का बुखार कितना आ रहा है। ये जो हमारे पास मीटर है इसे कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर, बुखार के नापने के काम में आता है ये। तो अगर आपके बकरे को बुखार हो रहा हो या नहीं हो रहा हो आप नहीं पता लगा सकते, उस सिवाय उसके कान पकड़ के हीट से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बाज़ार से अच्छी क्वालिटी का होता है 150 से 200 रुपये का मिल जाता है, अब आप इसे चेक कर लेते हैं, इसे ख़रीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, तो इससे बुखार नापना आसान होता है। इसका ये बटन होता है, इसे यहाँ से दबाएंगे और ये हो जाएगा चालू। इसे हमें फेरनहाइट्स में देखना है। आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, इसे मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगा। हाँ, अभी टेढ़ा ही दिखाई दे रहा है। अभी 91.1 आ रहा है, लेकिन इसे तो ऑफ कर देते हैं। लेकिन जब भी आपके बकरे को बुखार आए, नॉर्मल होता है और 103 ये नॉर्मल डायरा होता है, ठीक है, 100 डाउन है। लेकिन 102 और 103 ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 104 या 103.5 आ रहा है ना हल्का सा बुखार, 104 है तो बुखार है और 105 है तो ज़्यादा बुखार है। तो चलिए एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बाकी बात बाद में। और इसका इलाज मैं आपको इंजेक्शन दिखा के बताऊँगा, दवाई हैं कि बुखार नापने का क्या सही तरीका है और कितने पर बुखार होता है। तो आइए नापते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये हमारा डिजिटल थर्मामीटर, इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। दोस्तों इसकी एक खासियत बात ये है कि जब ये ऑन हो जाता है और इसका टेम्परेचर पूरा कम्प्लीटली ये मतलब सटीक नाप लेता है कि कितना इसमें टेम्परेचर आगे से आगे जाएगा नहीं, तो फाइनली ये बता देता है बीप करके। इसमें से बीप बीप की आवाज़ आने लगती है जब इसका टेम्परेचर पूरा हो जाता है। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं किसी के ऊपर, क्योंकि अभी फ़िलहाल किसी को अल्हम्दुलिल्लाह बुखार नहीं है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा वो भी मैं बता देता हूँ आ जाएगा, और बुखार वाला टेम्परेचर तो मैं खुद बता दूँगा कितना आता है। तो चलिए चेक करते हैं, फिर एक बार बंद कर लेते हैं और फिर यहीं से ही चालू कर लेते हैं। 93.8। अब इसका चेक करते हैं, साइड में इसे टेढ़ा कर देना है। अब देखिए इसका 100 फेरनहाइट्स हो गया है। टेढ़ा करने से इसमें मैंगनी में कहीं टच नहीं होगा, मांस में टच होगा। 101 आ गया है, देख लें लगाने का तरीका। तो इस तरह से बाल पीछे करने के बाद में 101 फेरनहाइट्स। अगर बुखार 103 और 104 पे बुखार माना जाता है, 104 पे, 102 और 103 नॉर्मल होता है और 101 ये हो गया, 102 भी हो ही जाएगा, हल्का बुखार। 103.5 पे हल्का बुखार और 104 पर बुखार होता है, 4 और 5 बुखार माना जाता है, लेकिन 103.5 पे हल्का बुखार मान लिया जाता है। अब देखिए 101.8 हो गया और ये बीप बीप करने लगा। आवाज आ रही होगी, और इसमें 101.8 से ऊपर ये इसका तापमान नहीं गया, तो मतलब नॉर्मल है ये इसका टेम्परेचर। आपने देख लिया नॉर्मल टेम्परेचर आया है, लेकिन हमें एक बकरी पे शक है कि उसे हल्का सा बुखार है। तो उस बकरे का 101.8 आया था, अब बकरी का नापते हैं कितना आता है। तो हमने बंद करके खोल लिया और साफ़ कर लिया इसे, बकरी थोड़ी आ गई। चलो इसकी पूंछ उठा ली जाए, बकरी थोड़ी हैवी है, बस पूंछ थोड़ी उठा लेंगे। कहाँ लग रही है। तो मीटर कर लिया बंद करके ऑन, और इसका नॉर्मल टेम्परेचर आया है 93.8। हम डालेंगे
तापमान नॉर्मल एक से। तो इस बकरी को भी बुखार नहीं है और मीटर बीप बीप करने लगा है। तो बुखार का इलाज मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। तो कौन सी दवाई चाहिए चलिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं दवाई लेकर आई मानी जाती है सबसे ज़्यादा बुखार तोड़ देने में, बिल्कुल ही डाउन टेम्परेचर कर देती है, मतलब नॉर्मल। मिनोलेक्स प्लस बकरे का अगर वजन आपका 40 किलो है ना तो आप 3 ml लगा सकते हैं, 50 किलो पे 4 ml, 60 किलो पे 5 ml बेस्ट हो देने वाली। लेकिन ये थोड़ी जलन करती है, लिक्विड तेल का पदार्थ की तरह होती है लेकिन जलन करती है ये। तो डरे नहीं इंजेक्शन देते ना, कहीं आप सोचे गलत इंजेक्शन देते हैं। और माने जाने वाली न्यूप्रोफेन, इसे कीटोप्रोफेन भी बोलते हैं। तो इसका भी वही डोज जो मैंने बताया बुखार तोड़ देने में, बाई चांस नहीं होती तो ये हल्की फुल्की 4 DBR भी काम में आती है बुखार के, निमोनिया के में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। लेकिन हल्का सा ये काम में आया थी एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिस की बेस्ट टेबलेट आती है जो कि आप बकरे को एक गोली दे सकते हैं 50 किलो पे, 30 किलो 40 किलो पे आधी गोली दे सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट बुखार में भी मिल जाता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है तो इसे प्रेगनेंसी में ना दें बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अनसेफ है प्रेगनेंसी। तो साथियों जो भी आप दवाई दें बेहतर हो अपने नज़दीकी किसी पशु के डॉक्टर के पास जा कर के दें तो बेहतर होगा। खुद से दवाई जब दी जाती है जब आपके पास कहीं डॉक्टर अवेलेबल ना हो या रात का समय ज़्यादा हो कहीं जा नहीं सकते तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। वैसे बुखार में ये भी हल्के काम में आ जाता है, CPM इसे कहते हैं, लेकिन जायडस का इंटास का है ये बेस्ट। तो आप इसे भी लगा सकते हैं 3 से 4 ml के डोज में, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन दवाई करती है। अगर इसे CPM को लगा दें तो इसका काट हो जाता है, तो ये बेस्ट रहती है आपकी बुखार उतारने में। तो आज की हमारी वीडियो जो थी उसमें आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई समस्या है किसी आपके पशु को लेकर के तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो में अपना नंबर दे दूंगा किसी भी तरह के सवाल के लिए। मेरी और भी वीडियो चैनल पे आप वो देख सकते हैं और पसंद आने पे लाइक कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिस तरह करते जा रहे हैं, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। 0 से आज इतने सब्सक्राइबर हो गए मेरे जो भी हैं। छोटी सी वीडियो थी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर है सब्सक्राइब करें, कोई सवाल हो तो वीडियो बन जाएगी उस पर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।